न्यूज़ लीडर्स की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ लीडर्स और मैं हूं आपके साथ जफर अशरफी। शुरुआत करते हैं खरगोन की खबरों से। खरगोन जिले में कोरोना महामारी की रोकथाम को लेकर नए नए नुस्खे अपनाकर संक्रमण से निजात पाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में गोरक्षा कमांडो फोर्स की युवतियां गोबर के कंडों को जलाकर कीटाणु मारने का प्रयास किया है। दरअसल खरगोन जिले के बड़वा में बढ़ते कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर गौरक्षा कमांडो फोर्स जिला अध्यक्ष सोनाली पवार और उनकी टीम की सदस्यों ने गोमाता के गोबर से बने कंडों को अलग अलग पात्रों में रखा और आग प्रज्वलित कर उसमें हवन सामग्री एवं दिव्य औषधियां डालकर सुगंधित धुनी उत्पन्न कर नगर भ्रमण किया। साथ ही सोनाली पवार ने बताया कि गोमाता के गोबर से बने कंडों से ऑक्सीजन प्राप्त होती है तथा इसके धुएं से वातावरण भी शुद्ध होता है। सोनाली पवार की टीम ने नगर के मुख्य मार्गों से गुजरी तो वातावरण सुगंधित एवं धुनीमय हो उठा। सोनाली पवार ने बताया कि वैश्विक महामारी के चलते प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने घरों में गोमाता के गोबर से बने कंडों की धुनी देनी चाहिए ताकि घरों में होने वाले कीटाणु से हमें छुटकारा मिल सके। वहीं खरगोन जिले में बढ़ती कोरोना महामारी के बीच जरूरतमंदों को भोजन सामग्री वितरित करने का बेड़ा समाज सेवी संस्थाओं ने उठाया है। ऐसे में ग्रामीणों ने भी अनूठी पहल की और ट्रैक्टर में भोजन सामग्री लेकर खरगोन पहुंचे और भोजन का वितरण जरूरतमंदों को किया। साथ ही आपको बता दें कि खरगोन से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बिरोटी गाँव के लोगों ने भोजन का वितरण कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने बताया कि लॉकडाउन की स्थिति में जरूरतमंदों के बीच हफ्ते में 2 बार भोजन वितरित करके सामाजिक सरोकार की भूमिका भी निभा रहे हैं, जिससे आने वाले समय में निश्चित तौर पर जन जागृति आएगी।